नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या सच में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट में यूआर का कट ऑफ 35, ओबीसी का 34, एसएसटी का 33 और ईडब्ल्यूएस का 35 है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में अभी भी ये क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि सर जो है वीडियो में इतना हाई कट ऑफ बता रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन में तो कट ऑफ मात्र इतना ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इस कन्फ्यूजन को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश करूंगा एक एग्जांपल लेते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने आरआरसी ग्रुप डी का जो है नोटिफिकेशन पहले ओपन कर रहा हूं और उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये रहा आरआरसी ग्रुप डी 2019 का नोटिफिकेशन। इसमें जो दिया हुआ है आप देखिएगा, पढ़िएगा यहाँ पे, मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी यूआर 40%, ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी 30%, एससी 30% और एसटी 30%। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स का ही मतलब होता है कट ऑफ, ठीक है ना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि यूआर अगर 40 नंबर ला रहे हैं, ईडब्ल्यूएस अगर 40 नंबर ला रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी अगर 30 नंबर ला रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। अगर ऐसा रहता तो फिर रेलवे का जो कट ऑफ है यूआर का वो 75 प्लस कैसे चला जाता है, एससी एसटी का 55 प्लस कैसे चला जाता है, 65 प्लस कैसे चला जाता है कट ऑफ, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं फिर अपने हम आईबी के नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, कोई भी जब वैकेंसी निकलती है ना तो आपको 80% आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा इस टाइप का कि मिनिमम परसेंटेज या मिनिमम कट ऑफ जो है इतना रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सपोज करिए यहाँ पे एक 35 का एक कट ऑफ लाइन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 35, 34, 33 और 35 का मतलब ये हुआ, सपोज करिए मैं 35 को लेकर चलता हूँ, अगर 35 से कम नंबर आपके आ रहे हैं ना तो आप पहले ही बाहर हो गए हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपके मार्क्स पे ना कोई नॉर्मलाइजेशन होगा और ना ही आपके मार्क्स का इवेल्यूएशन होगा। सपोज करिए एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट हमको सिलेक्ट करने हैं, तो इन 10 कैंडिडेट सिलेक्ट करने में आपका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। ये 10 कैंडिडेट काउंट करने में आपका कोई रोल नहीं होगा, आप पहले ही बाहर हो गए हो, आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। अगर आप 35 क्रॉस कर जाते हो, 35 प्लस अगर आपका स्कोर आ जाता है तब आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, और जो एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं वो 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करते टाइम में आपको भी उसमें रखा जाएगा, भले आप बाहर हो जाए आगे चल के वो बात अलग है, लेकिन आपको रखा जाएगा, आपको आपके मार्क्स का इवोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, ये एक बॉर्डर लाइन है, इससे कम नंबर आ रहे हैं तो आप पहले ही बाहर हो, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तब आप पे विचार किया जाएगा, आपके मार्क्स का इवोल्यूशन होगा, आपके मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। धन्यवाद।